तो आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट वे ऑफ रेलवे। परमानेंट वे ऑफ रेलवे में हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, रेल स्लीपर्स, ब्लास्ट, रेल पासिंग टाइप एंड सिलेक्शन ऑफ रेलवे। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर परमानेंट वे। पहले हम चलते हैं परमानेंट की डेफिनेशन की तरफ। क्या होता है ए परमानेंट वे? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल स्लीपर, ब्लास्ट, फिक्स एंड फास्टनिंग एक्सेट्रा। मीन्स कहने का मतलब, अगर परमानेंट वे की बात करें, ये आपका पूरा सिस्टम को हम परमानेंट बोलेंगे, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होगा स्लीपर, फास्टनिंग, रेल, ब्लास्ट, इस सब को कंबाइंड सिस्टम को, कॉम्बिनेशन को हम परमानेंट वे बोलते हैं। नेक्स्ट आर द ट्रैक ऑन रेलवे और रेल रोड आल्सो नोन एज परमानेंट वे इज द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द रेल पासिंग। रेल रोड, टाइल, स्लीपर, ब्रिटिश इंग्लिश ये, एंड ब्लास्ट और स्लैब ट्रैक प्लस द अंडरलाइंग सब ग्रेड। रेलवे ट्रैक इज आल्सो नोन एज परमानेंट वे। इन सिंपली वी कैन से दैट रेलवे ट्रैक को हम परमानेंट वे कहते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है आपका ब्लास्ट का, स्लीपर का, फिक्सचर, फास्टनिंग का। सो द पर्पज ऑफ यूज ऑफ परमानेंट वे इज टू प्रोवाइड दी परमानेंट फैसिलिटी फॉर सेफ्टी एंड क्विक मूवमेंट ऑफ नॉर्मल कमर्शियल ट्रैफिक बिटवीन दी स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन स्टेशन। जो हमारा मेन मकसद होता है परमानेंट का, उसका ये होता है कि हम परमानेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है सेफ्टी के लिए, कि क्विक मूवमेंट, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो प्रॉपर मेंटेन रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और जो आप ट्रैफिक दूसरी जगह से ले रहे हो वहाँ पे इजीली आप वहाँ पे इसको ड्रॉप करके आ सकते। नेक्स्ट परमानेंट वे कॉस्ट नियरली 40% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट टू दी रेलवे। जो परमानेंट वे होता है उसका कॉस्ट का अगर बात करें, तो अगर 100% कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में, तो उसका 40% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ओनली परमानेंट वे पे खर्च होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ आइडल परमानेंट वे। तो अब बात करते हैं कि एक आइडल परमानेंट वे के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। फर्स्ट है द अलाइनमेंट ऑफ द शुड बी करेक्ट। जो आपकी अलाइनमेंट है की वो प्रॉपर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। द ट्रैक शुड प्रोसेस सफिशिएंट इलास्टिसिटी, इट शुड आल्सो प्रोसेस सफिशिएंट लेटरल रिजिडिटी एंड स्टिफनेस सो दैट इट मे विदस्टैंड द लेटरल थ्रस्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द ट्रैक शुड बी डिजाइन दैट लोड ऑफ द ट्रेन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। कहने का मतलब, जो आप ट्रैक डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन है उस पे जो लोड आ रहा है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, नीचे जो आपके स्लीपर है, ब्लास्ट है, उस पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और जो आपका ट्रैक है वो उसमें सफिशिएंट इलास्टिसिटी होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट आपका द गेज ऑफ द ट्रैक शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। आपका जो गेज ऑफ ट्रैक हो वो शुड बी करेक्ट और यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, कहीं ऊपर कहीं नीचे नहीं होना चाहिए। द ट्रैक शुड प्रोसेस हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज एट द टाइम ऑफ डीरेलमेंट एंड इट्स मेंटेन कॉस्ट इज मिनिमम। दी रेल लेवल शुड बी सेम वाइल ऑन कर्व, प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड। द फ्रिक्शन बिटवीन दी व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड रेल शुड बी मिनिमम। जो फ्रिक्शन व्हील ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड रेल शुड बी कम से कम होना चाहिए। द ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म, ज्वाइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुड बी डिजाइंड एंड मेंटेन प्रॉपरली। फैसिलिटीज ऑफ रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सेट्रा ऑफ डैमेज पोर्शन ऑफ ट्रैक शुड बी एडिक्यूट। कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। कंपोनेंट कौन कौन से थे आपने हमेशा याद रखना है। द मेन कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे आर फॉलोइंग, फॉर सॉरी फर्स्ट आपका रेल्स, स्लीपर्स, फास्टनर्स, ब्लास्ट और सब ग्रेड। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द परमानेंट वे। ये आपके कंपोनेंट है परमानेंट वे के। इस पिक्चर में ध्यान से देखो, ये एरो शो कर रहा है रेल को, जो जहां पे गाड़ियां आपकी जो रेल की पहिया जिसपे चलता है, मूव करते हैं इस रेल पे, इसको हम बोलते हैं रेल।
ये आपका वुडन का जो दिख रहा है, लकड़ी का पीस जो बना हुआ है, लकड़ी का पीस का बना है, इसको हम बोलते हैं स्लीपर। आज के टाइम में स्लीपर कई तरह के हैं, वुडन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर, मेटल, स्टील, ठीक है, ये सब स्लीपर है, बहुत तरह के आ गए स्लीपर मार्केट में, अच्छे अच्छे क्वालिटी के, ठीक है। ये हम पुराने टाइम में यूज करते थे, अभी हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप बाहर भी देखते हो रेलवे ट्रैक वगैरह में, मोस्टली कंक्रीट के स्लीपर आपको वहां पे दिखते होंगे। नेक्स्ट है आपका फास्टनर। फास्टनर क्या आता है, जो आपका स्लीपर और रेल को कंबाइन करके एक बाउंड करके रखता हो, उसको हम बोलते हैं फास्टनर। जैसे यहाँ पे फिश प्लेट लगी हुई है ना, तो इसको हम फास्टनर बोलते हैं, जो आपका रेल और स्लीपर को जोड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसको जकड़ के रखते हैं। ब्लास्ट, ये आप पत्थर से देख रहे हो, इसको हम पत्थर नहीं ब्लास्ट बोलते हैं। ये ब्लास्ट स्लीपर के साथ रेल के एरिया जितने भी आपका ट्रैक है यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि आपका जो रेल का जो आपका ऊपर से लोड आ रहा है वो प्रॉपर आपके रेल के थ्रू, स्लीपर के थ्रू, ये ब्लास्ट के थ्रू सॉइल में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आपका क्या होगा, रेल वगैरह प्रॉपर उसका लोड नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा और ट्रैक टूट जाते हैं। ये रहा आपका ब्लास्ट, शोल्डर क्रीस्ट, ठीक है, ये आपका देखो ध्यान से डायग्राम में, परमानेंट बे, ठीक है, ट्रैक फाउंडेशन, परमानेंट बे में आपका ट्रैक स्ट्रक्चर आ गया, ट्रैक स्ट्रक्चर के अंदर रेल स्लीपर जो भी आपको ऊपर बताया, ये आपका ये स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर रेल है, ठीक है। आगे ब्लास्ट एंड सब ब्लास्ट, यहाँ पे ब्लास्ट सब ब्लास्ट पाए जाते हैं। ट्रैक फाउंडेशन में आपका फॉर्मेशन में आपका सब ग्रेड, नीचे की मिट्टी आप क्या करते हो प्रॉपर उसको इक्वल करते हो, ठीक है, कहीं ऊपर नीचे ना हो, प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए आपकी सरफेस, ठीक है। इस अपग्रेड ऑफ नेचुरल सोइल है, जमीन की पहलू, ये आपका रेल्स है, ध्यान से देखो ये रेल्स, ठीक है, जिसपे आपकी गाड़ियां चलती है, ठीक है। ये भी कई तरह के हैं, चार तरह के होते हैं, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेल, द रेल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज डबल हेडर रेल, डी एच रेल जिसको बोलते हैं। सेकेंड इज बुल हेडेड रेल, बी एच रेल। नेक्स्ट थर्ड इज अ फ्लैट फुटेड रेल, एफ एफ रेल। ये आपके तीन तरह के आपके रेल्स हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डबल हेड रेल क्या होता है, द रेल सेक्शन हुज फुट एंड हेड आर द सेम डायमेंशन आर कॉल्ड डबल हेडेड और डंब बेल रेल। सिंपली याद रखना है, जो डबल हेडेड है उसमें क्या होगा, उसका फुट और हेड की डायमेंशन सेम होगी, वो आपका डबल हेडेड रेल कहलाएगा या फिर डम्ब बेल रेल कहलाएगा। इन द बिगिनिंग दीज रेल वर वाइड यूज्ड इन द रेल ट्रैक। जब रेलवे की शुरुआत हुई थी तो डबल हेडेड रेल बहुत यूज किया जाता था। द आइडिया बिहाइंड यूजिंग दीज रेल वाज दैट व्हेन द हेड हैड बॉर्न आउट ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ व्हील द रेल कुड बी इन्वर्टेड एंड रीयूज्ड बाय एक्सपीरियंस इट वाज फाउंड दैट देयर फुट कुड नॉट बी यूज एज रनिंग सरफेस बिकॉज इट आल्सो गॉट कोरूगेटेड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ व्हील लोड। दिस टाइप ऑफ रेल इज नॉट इन यूज इन इंडियन रेलवे नाउएडेज। आज के टाइम में आपका जो डबल हेडेड रेल है ये यूज नहीं होता है, ठीक है। ये रहा आपका डबल हेडेड रेल, ये आपका लोअर टेबल हो गया, अपर टेबल हो गया। ऊपर की डायमेंशन की बात करें 70 mm है, ठीक है, जो वेब, इसको हम वेब बोलते हैं, ठीक है, वेब का जो डायमेंशन है 19 mm है। पूरी हाइट की बात करें डबल हेडेड की, पूरी आपकी हाइट 152 mm है, ठीक है। अगर इधर हम सिर्फ फ्लैंज, इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, फ्लैंज 44 mm है। आपका वेब स्टार्ट होता है 64 mm से और लोअर जो नीचे का है वो भी सेम 44 mm का आपका लेंथ है, ठीक है। डबल हेडेड रेल हो गया, ये देखो यहाँ पे आपको 3D डायमेंशन में दिखाई गई है, ठीक है, इसका डायमेंशन नीचे के देखो और ऊपर के देखो, दोनों सेम। नेक्स्ट आपका बुल हेडेड रेल, द रेल सेक्शन हुज हेड डायमेंशन आर मोर देन दैट ऑफ देयर फुट आर कॉल्ड बुल हेडेड रेल। इन दिस टाइप ऑफ रेल द हेड इज मेड लिटरली थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लोअर पार्ट बाई एडिंग मोर मेटल टू इट।
These rays are also required chair for holding them in position. तो ये आपका बोल हेडर रेल है, ठीक है, ये देखो कुछ ये है, ठीक है। इसमें क्या आपका जो हेड है उसका 68.66 mm है और जो फुट है उसको 64 mm का होगा, ठीक है। पूरी के डायमेंशन 145 mm है, ठीक है। बोल हेडर रेल आर स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग। जो आपका बुल हेडेड रेल है हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे आपने क्रॉसिंग करवानी है या फिर कोई मेकिंग पॉइंट तो करना है, ठीक है, तो वहां पे हम बुल हेडेड रेल यूज करेंगे। ये बुल हेडेड है याद रखना, ठीक है। अगर हम मैरिज की बात करें बुल हेडेड की, तो बुल हेडेड रेल कीप्स बेटर अलाइनमेंट एंड प्रोवाइड मोर स्मूथर एंड स्ट्रॉन्गर ट्रैक। जो आपका बुल हेडेड है वो क्या करता है कि अलाइनमेंट को मतलब अलाइनमेंट अच्छी देता है और स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक बनाता है, प्रोवाइड स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग। दीज रेल्स प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ टू वुडन स्लीपर एंड ग्रेडियंट स्टेबिलिटी टू द ट्रैक। जो आपका बुल हेडेड है वो उसकी लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करता है, वुडन स्लीपर एंड ग्रेडियंट स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ट्रैक को। दीज रेल आर इजिली रिमूव्ड फ्रॉम स्लीपर एंड हैंस रिन्यूअल ऑफ ट्रैक इज इजिली। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका बुल हेडेड है, उसमें क्या है कि आप इसको ना इजिली ट्रैक से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती इसको बाहर निकालना, जिससे आपका क्या होता है कि इसको रिन्यू करना मेंटेन करना आपके लिए इजी रहता है, ठीक है, जो पसंद वहाँ पे इसको करता है। अगर डीमेरिट्स की बात करें, बुल हेडेड रेल रिक्वायर्ड एडिशनल कॉस्ट ऑफ आयरन चेयर। बुल हेडेड में क्या है कि एडिशनल कॉस्ट इसमें आयरन चेयर की जरूरत पड़ती है। दीज रेल रिक्वायर्ड हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट। बुल हेडेड रेल्स आर ऑफ लेस स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। जो आपके बुल हेडेड रेल है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है और स्टिफनेस भी कम होती है, ठीक है। और जो आपका बुल हेडेड है हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी मेंटेनेंस करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लैट फुटेड रेल, लास्ट है फ्लैट फुटेड रेल। द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट रोल्ड टू फ्लैट आर कॉल्ड फ्लैट फुटेड और विग्नोल रेल्स। दिस टाइप ऑफ रेल वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स विग्नोल इन 1836। जो आपका फ्लैट फुटेड है उसमें क्या है कि उसके रेल के सेक्शन फुट रोल्ड होंगे फ्लैट, ठीक है। और जो इसकी पहली बार इन्वेंट किया गया था 1836 में किया गया था चार्ल्स विग्नोल के द्वारा। इट वाज इनिशियली थॉट दैट द फ्लैट फुटेड रेल कुड बी फिक्स्ड directly to wooden sleeper and would eliminate chair and keys required for the bull-headed rail. But later on it was observed that heavy train load caused the foot of the rail to sink into the sleeper and making the spikes. To remove this defect, steel bearing plates were used in between footer rail and the wooden sleeper. These rail are most commonly used in India. जो आज के टाइम में आप देख रहे हो वो आपका जो इस टाइप का फ्लैट फुटर टाइप का रेल यूज होता है मोस्टली इंडिया में। ये रहा आपका फ्लैट फुटर रेल, ठीक है। आप देख सकते हो फ्लैट मतलब जैसे हमारा पैर फैला हुआ है, नीचे से फ्लैट होगा फुटर। जो इसकी डायमेंशन की बात की जाए 136.53 mm है, जो हेड की बात की जाए तो 66.6 mm है। रेल हेडेड विड्थ, ये देखो इसको रेल हाइट बोलते हैं, यहां से लेके नीचे तक इसको हम रेल हाइट बोलेंगे। फिशिंग एंगल, ठीक है, हेडेड है, फुटेड है, वेब है, ठीक है। एक फ्लैट बॉटम वेब हेड फुट, ठीक है। अब हम मैरिज की बात करें फ्लैट फुटर रेल की। फ्लैट फुटर रेल हैव मोर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। तो जो बुल हेडेड है उसमें वो कम स्ट्रेंथ की है और स्टिफनेस भी कम है, बट जो आपकी फ्लैट फुटर रेल है उसमें स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों ही अच्छी क्वालिटी की है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोनों से। नो चेयर आर रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग देम इन पोजीशन। जो आपको फ्लैट फुटर रेल है इसमें क्या है किसी भी तरह की चेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती है कि होल्ड करने के लिए। दीज रेल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ फास्टनिंग।
इसमें क्या है, और आपका जो फास्टिंग है, जो आपके फिश प्लेट वगैरह लगती है वो भी कम नंबर में जरूरत पड़ती है। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ट्रैक कॉम्ब विद फुट फ्लैट फुटर रेल इज लेस, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें बहुत कम है। अब इसकी डिमांड्स की बात करी जाए तो द फिटिंग गेट लूजेंट मोर फ्रिक्वेंटली, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि जब इसको फिटिंग करते हैं तो ये लूज होता रहता है। दीज रेल आर नॉट इजली रिमूव्ड एंड हैंस रिन्यूअल ऑफ ट्रैक बिकम डिफिकल्ट, जो इस तरह का फ्लैट फुट रेल होते हैं उसको रिमूव करना इजली मुश्किल होता है, लेकिन रिन्यू भी करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है ट्रैक। इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर पॉइंट एंड क्रॉसिंग व्हाइल यूजिंग दिस रेल, ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चर डिफिकल्टी हो जाता है पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉसिंग व्हाइल यूजिंग दिस टाइप ऑफ रेल। ये आपका फ्लैट फुटेड था, तो अभी हमने डिस्कस किया था परमानेंट बे, उसके बाद उसमें हमने परमानेंट बे में आपने मटेरियल्स देख कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने बात की स्लीपर, ब्लास्ट, रेल्स, ठीक है, फास्टनिंग, ये सब आपके कंपोनेंट हैं। अगर रेल्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ रेल आपने हमेशा याद रखना है, तीन तरह की होती है, डबल हेडेड रेल, बोल हेडेड रेल्स एंड फ्लैट फुटेड रेल्स। आज के टाइम में फ्लैट फुटेड रेल यूज ज्यादा हो रहा है।